हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक आईटी कंपनी के बारे में, जिसने अगर आप देखेंगे जब से लिस्टिंग हुई है तब से इस स्टॉक ने हर साल डिविडेंड दिया है और लगभग 12 बार बोनस शेयर्स दे चुकी है और आगे जाके और भी दे सकती है, और कंपनी काफ़ी बड़ी है तो ये लोअर लेवल्स पे भी चल रही है। अगर आपको लगता है ये अच्छा मौका मिलता है तो आप इस स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी है विप्रो लिमिटेड, अभी चल रहा है 262 के ऊपर, 52 वीक लो देखेंगे तो 252 का है और 334 का हाई है, मींस लोअर लेवल्स पर ही चल रही है ये कंपनी। और ये एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 1,27,000 के करीब मार्केट कैप है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है, स्टॉक स्प्रेड भी एक बार हो चुका है और लास्ट टाइम 200% का इसने डिविडेंड दिया था। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो आईटी कंपनी है, काफ़ी अच्छा मीन्स प्रॉफिट होता है इन कंपनियों को। मार्च 2018 में 11,434 के करीब इसका टर्नओवर था, उसके पहले 11,072 के करीब। इनका जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा बड़ा है, उसी के कारण जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 1757 के करीब है, पहले 1804 के करीब था, लेकिन प्रॉफिट आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर इनका आता है आईटी कंपनीज़ का। ये एक दिग्गज कंपनी है, टीसीएस इंफोसिस के बाद विप्रो का ही नंबर आता है, लेकिन विप्रो ने जितना बोनस शेयर्स दिया है दूसरी कंपनी ने फिलहाल अभी तक नहीं दिया है आईटी कंपनीज़ ने, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी बेहतर स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये आप देख सकते हैं। 2017 में इसने लास्ट बोनस दिया था और लगभग 1971 से ये लिस्टेड कंपनी है और लगभग 12 बार इस कंपनी ने बोनस दिया है, लगभग 5-6 साल में एक बार ये बोनस शेयर ज़रूर इशू करती है। आप देखेंगे तो 2017 में दिया, 2010 में दिया, 2005 में, 4 में, 97, 95 में दिया, लेकिन अगर डिविडेंड की अगर आप बात करेंगे तो एवरी ईयर ये डिविडेंड देते हैं, लगभग 100% का डिविडेंड देते हैं, कभी 250%, कभी 350। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर लोअर लेवल्स पर मिलता है तो ये काफ़ी बेहतर स्टॉक लगता है, और अब लोअर लेवल्स पर भी चल रहा है, अगर ये रेट पे लेते हैं या इसके नीचे और मिलता है तो काफ़ी बेहतर हो सकता है, फिर से ये 300-320 का लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में। तो आज इसी के बारे में बात करना था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।